दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे मिडनाइट मास नाम की एक हॉरर वेब सीरीज देखी है जो कि इसी हफ्ते रिलीज हुई, और इस सीरीज को माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट किया है। अब जिन्हें माइक फ्लैनेगन के बारे में नहीं पता उन्हें क्या ही पता है, बट फिर भी मैं बता दूं कि माइक ने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस एंड ब्लाई मैनोर जैसी बढ़िया सीरीज डायरेक्ट कर रखी है, और यही वजह है कि मुझे मिडनाइट मास से भी काफी उम्मीदें थी। सीरीज न्यू होने की वजह से इसकी रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन इन जनरल मिडनाइट मास को पॉजिटिव रिव्यूज ही मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरे सीरीज की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। तो जिन्हें स्पॉइलर से प्रॉब्लम है वो पहले नेटफ्लिक्स पे मिडनाइट मास देख ले, उसके बाद ही मेरी वीडियो देखें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो मिडनाइट मास में कुल 7 एपिसोड्स हैं, और इन एपिसोड्स के नाम 7 अलग अलग बुक्स और वी कैन से ग्रुप ऑफ बुक्स के नाम पे आधारित है जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। स्पेसिफिकली वी कैन से तो बाइबल के बुक्स हैं वो। ये एपिसोड्स हैं जेनेसिस, साम्स, प्रोवर्ब्स, लैमेंटेशंस, गॉस्पल्स, एक्ट ऑफ द अपोसल्स एंड रिवेलेशन। इस सीरीज की कहानी क्रॉकेट आइलैंड की है जहाँ केवल 127 लोग ही रहते हैं। यहाँ कई डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड फैमिलीज हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सबसे पहले मैं इन कैरेक्टर्स को कहानी के साथ इंट्रोड्यूस करता चलूंगा ताकि आगे आपको कहानी समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो सीरीज के स्टार्टिंग सीन में हम राइली फ्लिन को देखते हैं जिसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, और इस कार एक्सीडेंट में तारा बेथ नाम की यंग लड़की की जान चली जाती है। राइली ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, यानी कि इस एक्सीडेंट में उसकी ही गलती थी, लेकिन फिर भी उसे बस एक खरोंच आई थी, वहीं तारा मारी जा चुकी थी। इस घटना के बाद राइली को 4 साल की जेल हो जाती है, और जेल में हम व्यूअर्स देखते हैं कि राइली एक बिलीवर था, यानी कि वो गॉड को मानता था। फिर भी रात को सोते वक्त उसे अब तारा बेथ के एक्सीडेंट हुई बॉडी के विजन्स आने लग गए थे। यहाँ से कहानी 4 साल आगे आती है जहाँ राइली जेल से छूट गया था, और अब वो अपने होम क्रॉकेट आइलैंड पे वापस आता है। राइली के फैमिली में उसकी मॉम एनी, उसके पिता एड और उसका छोटा भाई वॉरेन था। एड राइली से खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड, लेकिन राइली की मॉम उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। 4 साल में राइली एक एथिस्ट बन चुका था, यानी कि अब उसको गॉड वगैरह पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर भी राइली के पिता उसे हर संडे चर्च जाने को कहते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि आज भी राइली को हर रात वही ड्रीम आती थी जहां वो तारा को देखता था, और वो खुद को एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से नाव पे बैठा पाता था जहां सुबह होने वाली होती थी। खैर, यहाँ से कहानी राइली के छोटे भाई वॉरेन पे फोकस करती है जो कि एक टीनेजर था, और वॉरेन के दोस्तों का नाम था उकर एंड अली। अली के पिता हसन इस आइलैंड के शेरिफ थे, फिर भी अली उकर और राइली के साथ वीड वगैरह लेकर अपर्स नामक जगह पे स्मोक करने जाता है जो कि क्रॉकेट आइलैंड का ही थोड़ा सुनसान हिस्सा था। स्मोक करते वक्त इन्हें वहां कई कैट्स दिखती हैं, और इन कैट्स के बीच इन्हें किसी इंसानी फिगर की चमकती हुई आंखें भी दिखती हैं, बट दे ऑल इग्नोर इट। यहाँ एक और बात यह कि इन तीनों को ड्रग्स बोल नाम का बंदा बेचता था जो कि साइलेंट का काइंड ऑफ ड्रग डीलर था। नाउ क्रॉकेट आइलैंड पे एक ही चर्च था नेम सेंट पैट्रिक्स कैथोलिक चर्च, और इस चर्च के फादर मोसिंगनर जॉन प्रूइट थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिलहाल वो आइलैंड पे थे भी नहीं क्योंकि अपनी आखिरी दिनों में वो जेरुसलम गए थे तीर्थ यात्रा पे, एंड जहां से वो अब तक वापस नहीं आए थे। उनके एब्सेंस में बेव की नामक औरत चर्च में सब कुछ संभाल रही थी, और बेव एक निहायत ही घटिया किस्म की औरत थी जो कि अपने धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। बेव आइलैंड के एक पियक्कड़ जो और उसके कुत्ते पाइक को बहुत हेट करती थी जस्ट बिकॉज पाइक कभी कदार उस पर भौंक देता था। अब जो पियक्कड़ इसलिए बन गया था क्योंकि कई साल पहले उसने आइलैंड के मेयर वेड की बेटी लीजा को गलती से शूट कर दिया था, जिससे लीजा वेस्ट डाउन पैरालाइज हो गई एंड शी वॉज ऑन ए व्हीलचेयर नाउ। लीजा की मॉम यानी मेयर वेड की वाइफ का नाम डॉली था, और ये फैमिली चर्च के सीरियस डिवोटी थे। अब क्रॉकेट आइलैंड में मोस्टली एक ही डॉक्टर थी नेम्ड सारा गनिंग, और सारा की माँ का नाम मिल्ड्रेड गनिंग था जो कि काफी बीमार थी। मिल्ड्रेड को एमनीजिया था, हिप प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो ना चल फिर सकती थी ना ही उन्हें कुछ याद रहता था। डॉक्टर सारा के यहाँ हम एरिन ग्रीन नामक औरत को विजिट करते देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी, एंड एरिन राइली के बचपन की लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। फिलहाल एरिन वॉज मैरिड टू समवन, लेकिन हम एरिन के पति को कहीं नहीं देख पाते, एंड आइलैंड पे एरिन स्कूल में टीचर थी।
अब क्रॉकेट आइलैंड पे आने जाने के लिए पूरे दिन में सिर्फ दो फेरीज ही चलती थी और इन फेरीज का कैप्टन स्टर्स था जो कि बेव की काफी बात मानता था। आइलैंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग था, लेकिन 3 साल पहले यहाँ ऑयल स्पिल हुआ, यानी कि ऑयल आसपास के पानी में मिल गया, जिस वजह से फिशिंग पे काफी असर पड़ा। ऐसे में राइली के पिता एड को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ और अब इनके फिशिंग की बिजनेस उतनी अच्छी नहीं चलती थी। इन सब के बीच आइलैंड पे पॉल हिल नामक एक नए प्रीस्ट और यू कैन से फादर आते हैं जो कि मॉनसिग्नर प्रूइट को रिप्लेस करने आए थे। पॉल का कहना था कि प्रूइट मेन लैंड में है जहां वो अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कहानी में आगे हम ये जान पाते हैं कि आज रात आइलैंड पे एक तूफान आने वाला था और आइलैंड के लोग इसी से बचने की तैयारी में थे। रात को तूफान आता भी है और उस दौरान राइली तूफान में किसी कोट और हैट पहने इंसान को भागते हुए देखता है। ऐसा कोट और हैट मॉनसिग्नर प्रूइट ही पहना करते थे और इसीलिए राइली इस इंसान का पीछा करता है। ये कोट वाला इंसान अचानक ही नजर से ओझल हो जाता है, जिस वजह से राइली वापस घर में आ जाता है। अगली सुबह तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन शोर पे आइलैंड वाले कई बिल्लियों की लाश को देखते हैं जो कि सपोजिटली अपर्ट से बहकर आ गया होगा। इन बिल्लियों को देखकर लग रहा था मानो किसी ने उनके गर्दन को नोच डाला है। एनीवेज, कहानी में आगे हम फादर पॉल को देखते हैं जो कि चर्च में कम्युनियन के दौरान सभी विजिटर्स को वाइन एंड ब्रेड देते हैं और चर्च में ज्यादा लोग नहीं आते हैं, ऑल्दो लीजा काफी रेगुलर विजिटर थी। फादर पॉल डॉक्टर सेरा की मॉम मिल्ड्रेड के साथ उनके घर पे ही मास करते हैं और यहाँ जिन्हें मास नहीं पता उन्हें बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में ये एक तरह की रीडिंग, प्रेयर रिसाइटल एंड एक तरह के रिचुअल होती है जिसे लोग फॉलो करते हैं। मास के दौरान फादर पॉल मिल्ड्रेड को भी कम्युनियन वाला वाइन दे रहे थे, जिसे सारा नोटिस करती है। अब आइलैंड पे एनुअल एश वेंसडे पॉटलक आता है जहां सभी लोग फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे थे एंड फादर पॉल डॉक्टर सारा को घूर रहे थे। सारा का कहना था कि मॉनसिग्नर प्रूइट भी उसे ऐसे देखा करते थे और सारा को लगता है कि मे बी ऐसा इसीलिए क्योंकि समहाउ उन्हें पता लग गया होगा कि सारा इज नॉट स्ट्रेट। खैर, पॉटलक के दौरान जो का कुत्ता पाइक कुछ जहरीला खाकर मर जाता है और पॉटलक से ठीक पहले हमने बेव को रैट पॉइजन इस्तेमाल करते देखा था, विच मेंट कि बेव ने जानबूझकर पाइक को पॉइजन किया था। जो का शक भी बेव पे ही था, इनफैक्ट शेरिफ हसन भी समझ जाते हैं कि ये काम बेव का है, लेकिन बेव इसे बस एक एक्सीडेंट बताती है। वहीं राइली मेन लैंड में जाकर AA मीटिंग्स यानी अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग्स अटेंड करता था और ये बात फादर पॉल को पता चलती है। AA मीटिंग्स यूजुअली वो लोग करते हैं जिन्हें शराब की लत होती है या नशे की हालत में उसने कुछ बुरा किया होता है, इसीलिए राइली के लिए ये मीटिंग अटेंड करना कानूनन जरूरी था। फादर राइली से कहते हैं कि वो उसकी AA मीटिंग्स यहीं आइलैंड पे उनके साथ ही सेट कर देंगे ताकि राइली को स्टैंप लेने के लिए मेन लैंड न जाना पड़े। ठीक ऐसा ही होता है और फादर के साथ अपनी AA मीटिंग में राइली काफी ओपन अप होता है। नेक्स्ट डे चर्च में काफी लोग आए थे और कम्युनियन के दौरान फादर लीजा को अपने पास चल कर आते हुए कम्युनियन लेने कहते हैं। नाउ टू एवरीवन सरप्राइज, लीजा सचमुच व्हीलचेयर से उठ जाती है और वो चलते हुए फादर के पास जाती है। दिस वॉज अ मिरेकल और इस घटना के बाद आइलैंड के ज्यादातर लोगों को चर्च और उसके मिरेकल्स पे यकीन होने लग गया था। मेयर वेड और डॉली काफी खुश थे। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनी अब बिना चश्मा क्लियर देख पा रही थी, वहीं एड का कमर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो रहा था। इन सभी लोग जिनके साथ ऐसे मिरेकल्स हो रही थी उनमें कॉमन ये था कि ये लोग रेगुलर चर्च जाते हुए कम्युनियन का हिस्सा बनते थे। राइली भी रेगुलर चर्च जाता था लेकिन वो कम्युनियन में वाइन या ब्रेड नहीं लेता था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सारा की माँ मिल्ड्रेड भी चलने फिरने लग गई थी, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं था। आइलैंड पे अचानक से चर्च जाने वाले लोग एकदम तंदुरुस्त होने लग गए थे और देखते ही देखते चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग गई थी। लीजा जो कि अब चल सकती थी वो जो को माफ करती है जिसने उसे शूट किया था और जो को भी थोड़ा बेटर फील होता है। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि लीजा और वॉरेन एक दूसरे को पसंद करते थे। चर्च आइलैंड पे इतना प्रचलित होने लगा कि बेव होली बाइबल को स्कूल के सिलेबस में डालने लग गई, लेकिन हसन बींग ए मुस्लिम इसके अगेंस्ट था। हसन का कहना था कि स्कूल रिलीजन्स को डिस्कस करने की जगह नहीं है, लेकिन आइलैंड के लोग चर्च को इतना मानने लग गए थे कि हसन का साथ कोई नहीं देता एक्सेप्ट एरन। हसन का बेटा अली भी अब चर्च जाना चाहता था क्योंकि आसपास के लोगों से वो बस चर्च की मिरेकल्स के बारे में सुनता था, लेकिन हसन अली को ऐसा कदम उठाने से मना करते हैं। वहीं जो भी अब फादर और राइली के साथ AA मीटिंग्स आने लगता है क्योंकि लीजा से माफी मिलने के बाद वो अब शराब छोड़ना चाहता था।
इस पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है मानो आइलैंड पे सब कुछ एकदम अच्छा होने लगा है, और इसे हम रिलीजन का ब्राइट साइड भी कह सकते हैं। लेकिन हम व्यूअर्स दो अजीब चीज नोटिस करते हैं। पहली ये कि चर्च मीटिंग्स के दौरान फादर पॉल कम्युनियन वाले वाइन में अपनी तरफ से कुछ मिलाते थे। दूसरी बात यह कि फादर पॉल की तबीयत काफी बिगड़ने लग गई थी। इनफैक्ट एक रात तो वो बेव, वेड और डॉली के सामने लिटरली मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो जिंदा हो जाते हैं, विच अगेन वॉज अ मिरेकल। अब फादर पॉल की तबीयत क्यों बिगड़ी और वो क्यों मरे ये तो क्लियरली नहीं दिखाया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि बेव उन्हें पॉइजन करी हो। इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में ज्यादा बात करेंगे। एनीवेज, इस पॉइंट पे फादर पॉल कुछ चीजें कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करते हैं जिससे हमें सच्चाई पता चलती है। दरअसल मॉन्सिग्नर प्रूइट जब ट्रैवल करने जेरुसलम गए थे तो वो काफी कमजोर हो चुके थे और उनका अंत नजदीक था। डमास्कस के पास प्रूइट एक सैंड स्टॉर्म में फंस जाते हैं और उससे बचने के लिए वो सैंड में दबे एक केव के अंदर घुसते हैं। वहां केव में उन्हें कुछ दिखता है और लाइट जलाने पे उनके सामने एक वैम्पायर जैसा मॉन्स्टर था जो कि प्रूइट का खून पीने लगता है। इस पॉइंट पे प्रूइट का अंत निश्चित था, लेकिन ये वैम्पायरिक मॉन्स्टर अपना खून प्रूइट को पिलाता है जिससे प्रूइट बेहोश हो जाते हैं। जब प्रूइट की नींद खुलती है तो वो जवान हो चुके थे। जी हाँ, वैम्पायर के खून में लोगों को हील करके उन्हें प्राइम फिजिकल स्टेट यानी जवानी में लाने की ताकत थी और प्रूइट अब एकदम यंग हो चुके थे। प्रूइट को लगता है कि ये वैम्पायरिक क्रीचर एक एंजल है, और अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि फादर पॉल और कोई नहीं बल्कि मॉन्सिग्नर प्रूइट ही थे। जी हाँ, वो डमास्कस से इस वैम्पायर को एक बॉक्स में बंद करके क्रोकोडाइल पे ले आए थे क्योंकि ये वैम्पायर सनलाइट नहीं झेल सकता था। आइलैंड पे फादर इस वैम्पायर का ब्लड कम्युनियन वाले वाइन में मिलाकर लोगों को पिला रहे थे और इसी वजह से आइलैंड के सभी लोग जवान हो रहे थे या फिर उनकी बीमारी और फिजिकल डिसेबिलिटी ठीक हो रही थी। इनफैक्ट कैट्स को भी इसी वैम्पायर ने मारा था उनका खून पीने के लिए, और इस वैम्पायर ने बाउल को भी मार डाला था जो कि आइलैंड पे मिसिंग हो गया था। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि फादर पॉल उर्फ प्रूइट बेव, वेड और डॉली के सामने अपना दम तोड़ दिए थे, लेकिन उनके रगों में दौड़ता हुआ वैम्पायर ब्लड उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था, और मरने के बाद अगर कोई इंसान जिंदा होता है तो वो खुद एक वैम्पायर बन जाता है जिसे खून पीने की तलब होती है। फादर पॉल अब वैम्पायर बन चुके थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने एक एंजल को उठाकर क्रॉकेट आइलैंड पे लाया है जिससे सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से कहानी एरिन पे फोकस करता है जो कि अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर सारा के पास जाती है। इस चेकअप के दौरान डॉक्टर सारा नोटिसेस कि एरिन के पेट में अब बच्चा ही नहीं था, यानी कि एरिन का मिसकैरेज हो गया था, वो भी बहुत वियर्ड वे में, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में कभी बच्चा था ही नहीं। ये सुनकर एरिन का दिल टूट जाता है और वो सेकेंड ओपिनियन के लिए मेनलैंड जाकर चेकअप कराती है। वहां के डॉक्टर कहते हैं कि एरिन के टेस्ट रिजल्ट से पता लगता है कि एरिन कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज शॉकिंग फॉर एरिन, लेकिन हम व्यूअर्स समझ रहे थे कि एरिन के पेट के अंदर का बच्चा कम्युनियन वाले वाइन में मिले वैम्पायर ब्लड के कारण ही गायब हो गया होगा जिसे एरिन भी कंज्यूम करती थी। एरिन अपना दर्द राइली के साथ शेयर करती है जहाँ हमें एरिन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल एरिन की मॉम काफी अब्यूजिव थी और इसीलिए एरिन 16 साल की उम्र में आइलैंड छोड़कर एक्ट्रेस बनने चली गई थी। वो बड़े शहरों में घूमी, कई लोगों के साथ घूमी, रॉक बैंड्स का हिस्सा बनी एंड इवेंचुअली वो एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कि उसकी मॉम की तरह ही अब्यूजिव था। एक दिन एरिन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उस दिन वो शहर से भागकर वापस आइलैंड आ गई क्योंकि उसका पति एरिन को अब्यूज करते हुए मार डालता। इन शॉर्ट कहा जाए तो अपने होने वाले बच्चे के कारण ही एरिन बच पाई और एक अच्छी जिंदगी जीने लगी थी, लेकिन आज वो बच्चा ही नहीं रहा। राइली भी बताता है कि वो टाउन जाकर अपना स्टार्टअप किया था जिसमें वो खूब पैसे कमाया। वो हमेशा नशे में रहता था और एक रात ड्रिंक और ड्राइव करके उसने एक्सीडेंट में तारा को मार डाला। अब ना उसके पास पैसा है, ना बढ़िया लाइफ है और ना ही लाइफ का कोई पर्पस। ये दोनों आपस में बातें करके एक दूसरे को सहारा देते हैं एंड राइली प्रॉमिसेस कि वो कल फिर से एरिन से मिलने आएगा। दूसरी तरफ फादर पॉल वैम्पायर बन जाने के कारण सनलाइट में नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उससे उनकी स्किन जलने लग जाती थी। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि वो पहले कैसे निकल रहे थे, तो वेल पहले वो मरे नहीं थे, यानी कि उनके खून में उनका अपना खून और वैम्पायर का खून दोनों था, लेकिन जैसे ही एक इंसान मर जाता है उसके बाद वो टोटल वैम्पायर बन जाता है, और टोटल वैम्पायर बनने के बाद ही कोई सनलाइट में बाहर नहीं निकल पाएगा और उसे खून पीने की तलब भी होने लगेगी। यही वजह है कि फादर पॉल को भी खून पीने की तलब हो रही थी। इनफैक्ट वो अपना ही खून पीने लग गए थे।
रात के वक्त फादर पॉल मिल्ड्रेड के घर मास के लिए जाते हैं और वहां मिल्ड्रेड फादर को देखकर पहचान जाती है कि वो मॉनसिग्नर प्रूइट हैं। मिल्ड्रेड खुद काफी जवान दिखने लग गई थी और यहां हम व्यूअर्स को हिंट मिलता है कि प्रूइट और फादर पॉल में भी सेलिब्रेट नहीं थे, यानी कि जवानी के दिनों में उनका चक्कर मिल्ड्रेड के साथ था और डॉक्टर सारा शायद उनकी ही बेटी थी। यही वजह है कि फादर सारा को घूरते थे क्योंकि वो अपनी बेटी को खुद से इतना दूर नहीं देख पाते थे। एनीवेज, उस रात जो फादर से उनके घर पे मिलने आता है क्योंकि उसे शराब पीने की तलब हो रही थी एंड ही वांटेड फादर्स हेल्प। वहीं फादर को खून पीने की तलब थी और वो जो को गले लगाकर उसे अजीब तरह से सूंघने लगते हैं। इस खींचतानी में जो का सर एक टेबल से टकरा जाता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फादर अब और कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जो का खून पीने लग जाते हैं जिससे जो की मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद बेफ वहां आती है और वो सब कुछ देख लेती है। नाउ इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग फादर, वो मेयर वेड और स्टर्ज की मदद से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है। बेफ का कहना था कि जो एक बुरा इंसान था और फादर पॉल गॉड के मैसेंजर हैं जिनकी मदद उन्हें करनी चाहिए। अब क्योंकि फादर की वजह से मेयर की बेटी चल पा रही थी तो मेयर न चाहते हुए भी स्टर्ज के साथ मिलकर जो की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। मीनवाइल बेफ प्लान्स की अब से मास रात के वक्त रखी जाएगी क्योंकि दिन में फादर निकल ही नहीं सकते थे। अब उस रात राइली ए मीटिंग में फादर से मिलने आता है और वो फादर से जो के एब्सेंस के बारे में पूछता है। फादर झूठ कहते हैं कि जो मेन लैंड अपनी सिस्टर से मिलने गया है, लेकिन राइली फादर के झूठ को समझ जाता है क्योंकि जो ने राइली को पर्सनली बताया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में है ही नहीं। राइली के जाने के बाद फादर वैम्पायरिक क्रीचर का वेट करते हैं जो कि वहां आकर एक बॉटल में अपना खून भर देता है। फादर खुद इस खून को कंज्यूम करते थे और इसी को वो कम्युनियन वाइन में भी मिलाते थे। तभी राइली फादर पे चेक करने वहां पहुंच जाता है और राइली के आते ही ये वैम्पायरिक डीमन राइली पे अटैक करके उसका खून पीने लग जाता है। तो अगले दिन एरिन राइली का वेट कर रही थी पर राइली एरिन के घर नहीं आता। एरिन उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे राइली का कोई अता पता नहीं मिलता। वो शेरिफ हसन के पास जाकर राइली के मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज करती है और इस पॉइंट पे शेरिफ के पास तीन लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट आ गई थी एंड दे वर राइली, जो एंड बाउ। वहीं फादर पॉल रात में मास रखते हैं और आज डॉक्टर सारा की मॉम मिल्ड्रेड भी मास अटेंड करने आई थी। मास के दौरान फादर पॉल बहुत ही रिलीजियस और भड़काऊ भाषण देते हैं जिसमें वो लोगों को गॉड्स आर्मी बना के वॉर पे जाने जैसी बातें कर रहे थे। ये सब मिल्ड्रेड को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि प्रूइट यानी फादर पॉल अब बदल चुका है। वहीं सारा एकदम आश्चर्य में थी क्योंकि उसकी मॉम दिन प्रतिदिन एकदम जवान होती जा रही थी। अब उसी रात को एरिन के घर राइली आता है, जी हाँ, और वो एरिन को अपने साथ आइलैंड से दूर एक बोट पर ओशन में चलने को कहता है। एरिन मान जाती है और ये दोनों आइलैंड से काफी दूर समुद्र में बोट रोक कर बातें करना शुरू करते हैं। राइली देन एरिन को बताता है कि कैसे उसने फादर पॉल के रेक सेंटर में एक वैम्पायरिक मॉन्स्टर को देखा और वो मॉन्स्टर राइली को मार कर उसका खून पी गया। इसके बाद राइली को वैम्पायर का ब्लड मिला जिससे वो रिकवर करके खुद एक वैम्पायर बन जाता है। फादर पॉल राइली को बताते हैं कि कैसे उनके हिसाब से ये वैम्पायर एक एंजल है और उसका खून एंजल ब्लड है जिससे सब लोग तंदुरुस्त और जवान हो रहे हैं। इस खून की मदद से हर कोई हमेशा के लिए जी सकता है और ये गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है टू क्रॉकेट आइलैंड। वहां फादर पॉल के साथ बेफ भी थी जो कि राइली को इस सब का हिस्सा बनने के लिए कन्विंस कर रही थी और उनके हिसाब से गॉड ने राइली को चुना है। वैम्पायर बन जाने के कारण राइली को भी खून की तलब थी और उसे एहसास हो गया था कि ये सब गलत है। राइली रेक सेंटर से चला जाता है और बाहर उसके सेंसेस एलिवेटेड थे लाइक ए वैम्पायर। वो अपनी फैमिली और प्रूट के लिए नोट छोड़ता है जिसके बाद वो एरिन से मिलने आया। राइली एरिन को पानी के बीच इसलिए लाया ताकि राइली के पास भागने का कोई मौका ना हो। अब एरिन को ऑब्वियसली ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है और राइली एरिन से कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे एरिन पे भरोसा है कि वो साइलेंट को बचा लेगी। एरिन भी राइली से आई लव यू टू कहती है और इसके ठीक बाद सुबह होती है। सनलाइट में राइली के शरीर में आग लग जाती है जिससे राइली मारा जाता है और एरिन ये सब देख कर चिल्लाती है। राइली के मरने के बाद राइली के बोट पे हम तारा बेथ को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है एंड दिस सीन डिपिक्टेड कि शायद तारा ने या फिर राइली ने खुद को उस एक्सीडेंट वाली घटना के लिए माफ कर दिया था। अब इस घटना के बाद एरिन फौरन आइलैंड वापस जाती है और वो सीधा डॉक्टर सारा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है। सरप्राइजिंगली सारा एरिन की बात मान लेती है क्योंकि वो खुद अपनी मॉम को जवान होता देखकर एकदम शॉक में थी।
मोरओवर जब भी उसने अपने मॉम के ब्लड सैंपल्स लिए थे तो वो सैंपल्स सनलाइट में अपने आप नष्ट हो जाते थे। सारा का कहना था कि ईपीपी यानी एर्थ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफोरिया नाम की एक ब्लड कंडीशन होती है जिसमें लोग लाइट से एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं, और वैम्पायरिक ब्लड सैंपल में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। द ओनली मेजर डिफरेंस इज कि ये ब्लड सैंपल लोगों को हील करके उन्हें जवान बना देता है। अब जिन लोगों के शरीर में ये वैम्पायरिक ब्लड है वो वैम्पायर नहीं है, इसलिए वो दिन में आ जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोग मरते हैं उनके शरीर का ओरिजिनल ब्लड खत्म हो जाता है और वैम्पायरिक ब्लड फैल जाता है जिससे वो पूरी तरह वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारा, उसकी मॉम मिल्ड्रेड और एरिन समझ चुके थे कि फादर पॉल वाइन में वैम्पायर ब्लड मिलाकर आइलैंड के लोगों को दे रहे थे, और इसीलिए सारा फौरन ये सब शेरिफ हसन को बताती है। अब हसन इस पे एक्ट करने से मना करते हैं क्योंकि वो चर्च में जाकर तहकीकात नहीं कर सकता। वो बताते हैं कि कैसे ओवर द टाइम उनके साथ हमेशा रेसिज्म और अन्याय हुआ आफ्टर 9/11 जस्ट बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम, और अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए और अपने बेटे अली को बचाने के लिए वो इस छोटे से आइलैंड पे मेन लैंड से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ भी बेफ जैसे रेसिस्ट लोग उसे बिना वजह हेट करते हैं, और ऐसे में वो चर्च में जाकर तहकीकात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऐसा करने से जनरल पब्लिक उन्हें हेट करने लगेगी। खैर, एरिन और सारा आइलैंड से बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मेयर ने दोनों फेरीज वापस भेज दी थी। मोरओवर स्टर्ज लोकल बोट्स की वायरिंग भी निकाल रहा था ताकि आज रात कोई भी आइलैंड से बाहर ना जा सके। स्टर्ज आइलैंड की लाइट वगैरह भी काट देता है, साथ ही वो सेलफोन टावर की वायरिंग्स भी काट देता है ताकि आज की रात कोई भी ना तो आइलैंड से बाहर जा सके ना ही बाहर किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की रात चर्च में ईस्टर मास था। जी हाँ, मिडनाइट मास, जहां फादर पॉल कुछ बड़ा मिरेकल करने वाले थे। शरीफ हसन का बेटा अली भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, और वो अपने पिता हसन को भी यहाँ आने कहता है। इस सब को देखकर हम क्लियरली समझ रहे थे कि टाउन के मिरेकल्स को देखकर अली काइंड ऑफ कन्वर्ट हो रहा था। तो फाइनली रात होती है एंड बेव मेयर की फैमिली एंड स्टर्ज के नेतृत्व में आइलैंड के सभी लोग कैंडल्स लिए चर्च की तरफ गाना गाते हुए जाते हैं। हसन, सारा, मिल्ड्रेड और एरिन भी इसमें शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें देखना था कि चर्च में फादर पॉल क्या करने वाले हैं। सो सबके जमा हो जाने पे फादर पॉल अपना भड़काऊ भाषण शुरू करते हैं और वो सबको रिवील करते हैं कि वही मॉनसिग्नर प्रूइट हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बताते हैं कि चर्च आने वाले सभी लोगों के रगों में एंजल का खून है, और वो सबको मरने के लिए बोलते हैं ताकि उनका फिर से पुनर्जन्म हो एज ए वैम्पायर। एग्जाम्पल के तौर पे स्टर्ज बेव द्वारा सेटअप किया हुआ जहर खा के मरता है और कुछ ही सेकेंड्स बाद वो वैम्पायर बन के जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर हसन अपने बेटे अली को लेकर यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो ओरिजिनल वैम्पायर एक एंजल की तरह ड्रेस पहनकर सबके सामने आता है। ये वैम्पायर अपने पंख बाहर निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं, और फादर पॉल इसे एंजल बताने लगते हैं। बेव फौरन सबको जहर वाली ग्लास देने लगती है, और इस पॉइंट पे हसन अपनी पिस्टल बाहर निकालते हैं, लेकिन बाकी के लोग हसन को ओवरपावर कर जाते हैं। एंड देन बेव के बहकावे में अली भी जहर खाकर अपनी जान दे देता है। थोड़ी ही देर में वो भी एज ए वैम्पायर जाग उठता है, और अब कई लोग धड़ाधड़ जहर पीना शुरू करते हैं, लाइक मेयर एंड हिज वाइफ, ऊकर, सम अदर किड्स एक्सेट्रा। जो लोग जहर नहीं पी रहे थे उन्हें चर्च में बंद कर दिया जाता है, और वापस जिंदा हुए वैम्पायर्स इनका खून पीना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में मिल्ड्रेड शरीफ की पिस्टल उठाकर मेन वैम्पायर को शूट करती है, और वो मेन वैम्पायर मिल्ड्रेड पे अटैक करते हुए उसे उड़ाकर बाहर ले जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है जहां सभी वैम्पायर्स लोगों पे अटैक करने में लगे हुए थे। इस केओस में हम सिर्फ एरिन, हसन, लीजा, सारा, वॉरेन और एनी को बचकर निकलते देख पाते हैं, जहां चर्च से बाहर जाने से पहले एरिन बेव को शूट करके मार डालती है। मरने के बाद बेव भी एज ए वैम्पायर जिंदा होती है, और वो स्टर्ज के साथ मिलकर पूरे आइलैंड पे मासूम लोगों को हंट करना शुरू करती है। मिल्ड्रेड भी मेन वैम्पायर के अटैक के कारण पूरी तरह से वैम्पायर में तब्दील हो गई थी, और वो फाइनली फादर पॉल से मिलती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फादर कहते हैं कि उनका इतना खतरनाक प्लान नहीं था, बल्कि ये सब बेव ने प्लान किया और वो उसके बहकावे में ना जाने क्या कर बैठे। पॉल तो बस इस वैम्पायरिक डीमन की मदद से मिल्ड्रेड को जवान करना चाहते थे ताकि वो दोनों रीयूनाइट हो सके। एनीवेज, बचे हुए लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एक भी वैम्पायर को इस आइलैंड से बाहर जाने नहीं देंगे, वरना पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। लेकिन तभी बेव स्टर्ज के साथ मिलकर इनके घर पे अटैक करती है। ऐसे में एनी बेव को डिस्ट्रैक्ट करती है बाय किलिंग हरसेल्फ, और बाकी के लोग पीछे से भागते हैं।
ये लोग आइलैंड के हर एक बोट को जला देते हैं ताकि वैम्पायर्स आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सके। वहीं बेवअप चर्च और रेक सेंटर को छोड़कर आइलैंड के सारे घर को जलाने लगती है ताकि कोई भी बच ना पाए, और वो इन दो प्लेसेस को इसलिए छोड़ देती है ताकि दिन के समय वैम्पायर्स यहाँ छुप सके। लीजा और वार्डन जो के ट्रक से उसका गन्स लेकर मेन वैम्पायर को शूट करते हैं, लेकिन यहाँ मेन वैम्पायर खून पीने में इतना मशगूल था कि वो शूटिंग पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। ऐसे में लीजा मेन वैम्पायर पे तेल छिड़क कर उसे जला देती है और जलते हुए वो यहाँ से उड़ कर अपनी आग बुझाता है। दूसरी तरफ सारा ट्राई करती है कि वो चर्च जला दे और एरिन हसन के साथ मिलकर रेक सेंटर को जलाने की कोशिश करता है ताकि दिन के वक्त वैम्पायर्स को छुपने की जगह मिल ही ना सके। अब इससे पहले वो लोग ऐसा करते, स्टर्ज सारा को शूट कर देता है और बेव हसन को शूट करती है। मेन वैम्पायर एरिन पे अटैक कर देता है और ये सब देख कर ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो रहा था। सारा को मरता देख फादर पॉल दुखी होते हैं और वो वैम्पायरिक ब्लड उसे पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा उसे उगल देती है क्योंकि सारा वैम्पायर बनने से ज्यादा प्रेफर मरना करेगी। ये सब देख फादर पॉल इमोशनल होते हैं और वो सब खत्म करने के लिए चर्च में आग लगा देते हैं। वहीं अली जो कि वैम्पायर बन चुका था वो अपने पिता को इस हालत में देखकर रेक सेंटर में आग लगा देता है। अब मेन वैम्पायर जब एरिन का खून पी रहा था तो एरिन धीरे धीरे उसके पंख को काटने लग जाती है ताकि वो उड़ के आइलैंड से बाहर ना जा सके। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये मेन वैम्पायर खून पीने में इतना मशगूल हो जाता था कि इसे पता तक नहीं चलता था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे पूरा आइलैंड या तो मर चुका था या वैम्पायर बन चुका था, एक्सेप्ट लीजा एंड वॉरेन जो कि एक छोटी बोट लेकर आइलैंड से दूर जाने लग गए थे। नाउ सब लोगों को थोड़ा होश आता है जहां दे रियलाइज कि कैसे बेव के बहकावे में वो सब वैम्पायर बन गए हैं एंड नाउ वो अपने ही परिवार वाले को मारकर उनका खून पी रहे हैं। बेव अब भी सबको फादर के खिलाफ बहकाती है लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब अपनी गलती मान चुके थे और फाइनली वो सभी सनराइज के साथ मरने के लिए तैयार थे। वहीं मेन वैम्पायर ठीक से उड़ नहीं पा रहा था और वो भी सनलाइट से पहले मेन लैंड तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे सनराइज होता है जिसे आइलैंड के सभी लोग गाना गाते हुए एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि उन सबको अपनी गलती पता चल चुकी थी। हसन और अली फाइनल टाइम अपने रिलीजन की प्रेयर करते हैं जहां हसन प्रेयर के दौरान ही मर जाता है। सनराइज के साथ सभी लोग जलने लगते हैं और बेव एकमात्र थी जो अब भी जमीन को खोद कर बचना चाहती थी, लेकिन वो भी जलकर मारी जाती है। पूरा क्रॉकेट आइलैंड जल चुका था, सभी वैम्पायर्स मर चुके थे, बस बोट पे हम वॉरेन और लीजा को देख पाते हैं हु वर द ओनली सर्वाइवर्स। लीजा कहती है कि उसे फिर से अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं, विच मेंट कि मे बी मेन वैम्पायर भी मारा गया होगा ड्यू टू सनलाइट, जिस वजह से उसके ब्लड की मैजिक खत्म हो गई और लीजा फिर से अब पहले की तरह चल नहीं पाएगी। सीरीज के फाइनल सीन में हम डेड एरिन को देखते हैं जहां एरिन का एक मोनोलॉग आता है डिस्कसिंग लाइफ एंड डेथ। इसी के साथ मिडनाइट मास सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिडनाइट मास की कहानी और अब हम इस सीरीज से जुड़ी कुछ थियरीज के साथ साथ आपके मन में आ रहे कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में होगा कि आखिर मिडनाइट मास में दिखाया गया वैम्पायरिक मॉन्स्टर कौन था। वेल, सीरीज में इस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो कई सौ सालों से डेमास्कस के रेगिस्तान के किसी केव में कैद था और मॉन्सिग्नर प्रूइट उसे एंजल समझ रहे थे। लेकिन इस मॉन्स्टर की सारी प्रॉपर्टी एक ड्रैकुला या फिर वैम्पायर से 100% मिलती है। अब वैम्पायर की मिथ या फोकलोर काफी रिच है जिसके बारे में हम किसी लेट नाइट वीडियो में बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस इतना बता देता हूँ कि इस तरह के क्रीचर्स का होली बाइबल में भी जिक्र है। दूसरा सवाल आप सबके मन में हो सकता है कि आखिर फादर पॉल को क्या बेव ने पॉइजन किया था एंड इफ यस तो आखिर क्यों। वेल, मेरे हिसाब से बेव ही फादर को पॉइजन करी थी क्योंकि जिस तरह पाइक खून की उल्टी करके मरा था ठीक वैसे ही फादर पॉल भी मरे थे, डिपिक्टिंग कि इट वॉज डेथ बाई पॉइजन। अब बेव ऐसा इसलिए करी थी क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि प्रूइट ही फादर पॉल है बाई लुकिंग इन टू एन ओल्ड फोटो ऑफ प्रूइट। वो समझ गई थी कि यहाँ कुछ मिराकल हो रहा है और इसी प्रोसेस को यानी कि फादर पॉल के वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए वो फादर पॉल को मार डाली ताकि फादर एक वैम्पायर बन के रिजरेक्ट हो। अब ऑल्दो शी वॉज नॉट श्योर कि ये रिजरेक्शन कैसे होगा बट शी वॉज ईगर टू नो। इसके अलावा बेव पहले भी आइलैंड के लोगों से ऑयल स्पिलिंग के टाइम पैसे ली थी जब कंपनी ने यहाँ के लोगों को कंपनसेट किया था फॉर द स्पिल। वो इन पैसे को खा गई थी और उससे बस एक रेक सेंटर बना दी थी। दिस शोज कि बेव शुरू से ही घटिया औरत थी और मे बी वो पावर के लिए फादर पॉल को मारने की कोशिश करी होगी।
अब इस पूरे सीरीज के दौरान कैरेक्टर्स कई बार लाइफ, डेथ और आफ्टर लाइफ जैसी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन डिस्कशंस में हम साइंटिफिक थियरी, रिलीजियस थियरी और कॉमन मैन की थियरी को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस थियरी हमेशा हेवन और हेल की बात करते हैं। बेफ पूरे सीरीज के दौरान गॉड, हेवन और हेल की बात करती थी, जिससे लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा था। यहाँ हमें रिलीजन के दो साइड देखने को मिले। पहला ब्राइट साइड, जहाँ आइलैंड में सब कुछ अच्छा होने लग गया था, सब खुश होने लग गए थे, सब तंदुरुस्त होने लग गए थे और सब लोग एक पर्टिकुलर चीज को बिलीव करके एक अच्छे इंसान बन रहे थे। एंड देन हमें दिखाया गया डार्क साइड, जब लोग रिलीजन को लेकर ओवर ऑब्सेसिव हो गए, तब उन्होंने मिलकर क्या किया, सब वैम्पायर बन गए, बेसिकली उनका एक वैम्पायर कल्ट बन गया। नाउ कमिंग टू राइली साइंटिफिक बातें करता है, लाइक मरने के बाद 5 मिनट तक ब्रेन अपनी आखिरी सपना देखता है, जिसमें सपोजिटली उसके लाइफ की फ्लैशबैक होती है। इसी के साथ ब्रेन भी डेड होता है और एक इंसान का शरीर का कण कण इस यूनिवर्स को समर्पित हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। वहीं कॉमन इंसान की थ्योरी इरिन देती है, जिसके हिसाब से डेथ के बाद हेल हेवन कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी फैमिली होती है जो हमेशा आपके साथ खुशी खुशी रहती है। सो दीज वे द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ आफ्टर लाइफ। और इसके अलावा सीरीज में लोगों के पर्पस की बात भी की गई है। जब राइली जेल से वापस आया था तो उसे लगता है कि उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा है, लेकिन राइली ही इरिन को मोटिवेट करता है टू सेव द वर्ल्ड और इरिन ही फाइनली वैम्पायर के पंख काट देती है ताकि वो उड़कर मेन लैंड तक ना पहुंच जाए। सो इफ यू सी, एवरीवन हैज देयर पर्पस इन लाइफ नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम। एक और बात जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताना भूल गया, वो था नोट्स लेफ्ट बाय राइली। राइली ने मरने से पहले सबके लिए नोट छोड़ा था, जिसमें वो सबको फाइनल गुड बाय कह रहा था, लेकिन जो नोट उसने प्रोइट के लिए छोड़ा था उसमें लिखा था, रिमेंबर यू आर ए डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। दिस सिग्निफाइज कि प्रोइट भूल गया था कि हर इंसान को एट द एंड मरना होगा और वो वैम्पायर ब्लड की मदद से हमेशा जीना चाहता था, लेकिन इन द एंड पूरा टाउन जल जाता है और उनकी बॉडी लिटरली डस्ट ही बन जाती है, जो कि वॉरेन और लीजा के ऊपर गिरती है। अब सीरीज में एक और बात नोट करने लायक है कि कैसे फादर पॉल अपने बुरे एक्शंस को बाइबल के कोट्स इस्तेमाल करके जस्टिफाई करते थे, बेव के बहकावे में ही। एंड दिस डिपिक्स कि कैसे लोग अक्सर अपने रिलीजन के होली टीचिंग को गलत रूप से समझ कर उससे अपने बुरे कर्मों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। Now, as I told you, यहाँ रिलीजन का ब्राइट साइड भी दिखाया गया है, लेकिन ओवर ऑब्सेसिव होने पे डार्क साइड कैसा होता है वो भी दिखाया गया। Now, राइली अपने बुरे कर्मों को ओन करता था, लाइक ही ओन्स कि उसकी वजह से तारा मारी गई, और यही वजह है कि वैम्पायर बनने के बाद भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए एरिन से बातें कर पा रहा था। सिमिलरली सीरीज के एंडिंग सीन्स में आइलैंड के ऑलमोस्ट सभी लोग खुद को कंट्रोल कर पाते हैं जब वो अपने बुरे एक्ट्स को ओन कर लेते हैं, ना कि उसे मिसगाइडेड कोर्ट से जस्टिफाई करते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने बताया था कि लीजा एंड में अपनी लेग्स फील नहीं कर पाती है, विच इनडायरेक्टली डिनोट्स कि वैम्पायरिक डीमन मारा गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि लीजा के शरीर में वैम्पायर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गया होगा। डॉक्टर सारा सीरीज में बोलती है कि धूप में रखने पे खून का उतना ही पार्ट जलता है जो कि वैम्पायरिक होता है और बाकी पार्ट सेफ रहता है। मोरओवर समय के साथ बॉडी हील्स और वो वैम्पायरिक ब्लड को सिस्टम से निकाल देता है। सो इफ दैट्स द केस, मे बी वो वैम्पायरिक डीमन बच गया हो, बट आई स्टिल वुड लाइक टू बिलीव कि वो मर ही गया हो। अगर नहीं मरा है तो भाई सीजन 2 भी आ सकती है मिडनाइट मास की। फाइनली सीरीज का एक हिडन मैसेज भी है, विच इज फॉरगिवनेस। शुरुआत से ही राइली एक्सीडेंट के बाद खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन अंत में उसे तारा बेथ खुद माफ करती है, और मे बी इट वॉज राइलीज कॉन्साइंस फॉरगिविंग हिमसेल्फ। सिमिलरली लीजा जो को माफ करती है फॉर शूटिंग हर, मिल्ड्रेड प्रूइट को माफ करती है व्हेन प्रूइट अग्रीज कि उसे फादर ना बनकर मिल्ड्रेड के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए थी। वहीं स्टर्ज ऊकर से माफी मांगता है। हसन भी सबको, साथ ही अपने बेटे अली को माफ करता है फॉर ट्राइंग टू बिलीव इन मिरेकल्स। इन शॉर्ट, हर कोई एक दूसरे को इन द एंड माफ कर देता है, और यही वजह है कि मरते वक्त सभी एक साथ खुश थे, एक्सेप्ट फॉर बेव, जो ना खुद को माफ कर पाती है ना ही कोई और उसे माफ करता है। मरने से पहले भी बेव अकेले तड़पती हुई दिखती है, जहां वह जमीन खोदकर बचने की कोशिश कर रही थी। अब इस सीरीज में मुझे पर्सनली 2 मेजर प्लॉट होल्स लगे। पहली ये कि पूरी सीरीज में वैम्पायर वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। मैंने एक्सप्लेनेशन में कई बार वैम्पायर बोला है, लेकिन ट्रस्ट मी, सीरीज में कोई भी वैम्पायर की बात कर ही नहीं रहा था। अब आप ही बताओ, आज के मॉडर्न डे में ऐसा कौन इंसान होगा जिसे वैम्पायर के बारे में नहीं पता होगा? आप जाओ किसी बच्चे को पकड़ लो, उससे ही पूछो कि ड्रैकुला क्या होता है, वैम्पायर क्या होता है, उसे पता होगा। तो कैसे कोई मान सकते हैं कि वो एक एंजल था जो कि टाउन में आया था
था और उसके खून को पीकर लोग जवान हो रहे हैं और वैम्पायर बन रहे हैं, तो वो वैम्पायर नहीं बल्कि गॉड के एंजल बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल जैसा पार्ट था। और सेकंड प्लॉट होल ये कि इवन इफ आइलैंड का हर एक घर जल गया था, लेकिन सनलाइट से बचने के लिए टेंट या फिर ट्रीज के लीव से ही शेड्स वगैरह बनाई जा सकती थी। डोंट नो हाउ कोई भी ये सोचा कैसे नहीं, और सब लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे एंड बेव भी जमीन खोदकर बचने की कोशिश कर रही थी। आई मीन वो ट्री के नीचे छिप सकती थी या मे बी किसी केव में छिप सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बट अगर इन छोटी मोटी प्लॉट होल को नजरअंदाज भी किया जाए तो ओवरऑल मिडनाइट मास एक अच्छी सीरीज थी। यहाँ लाइफ, डेथ, आफ्टर लाइफ, कॉस्मोस, यूनिवर्स, रिलीजन और ऐसे ही कई टॉपिक्स को स्लो बर्न वे में डिस्कस किया गया है, जहाँ बेसिक स्टोरी तो सिंपल वैम्पायर की स्टोरी है लेकिन इसके डिपिक्शन काफी डीप है। भले ही ये सीरीज देखते वक्त काफी स्लो और स्ट्रेच्ड लगती है, लेकिन ओवरऑल इट इज रियली अ गुड वन। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड मैं कई और थ्योरीज और कनेक्शंस को कवर कर सकता हूँ जो कि इस सीरीज में दिखाए गए हैं, लेकिन उनका ज्यादा मतलब नहीं बनता इन रिस्पेक्ट टू द स्टोरी, सो आई एम लीविंग इट आउट। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड आई नो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, बट आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। नाउ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।